धारचूला के ब्लॉक सभागार में रघुनंदन चोड़िया अकादमी के लोगों ने आज आपदा न्यूनीकरण का प्रशिक्षण दिया और अपनी बातें रखी। लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सर्वप्रथम अशोक कुमार जी के द्वारा रघुनंदन टोली अकेडमी के कार्यकलाप बताए गए और कब कब आपदाएं आईं और इनसे निपटने के क्या उपाय रहे ये बताया गया। ये दो दिवसीय कार्यक्रम है। इसके नोडल दिवेश शासनी संयुक्त स्टेज धारचूला है। कार्यक्रम ब्लॉक सभागार में हो रहा है। स्वागत कार्यक्रम के बाद अशोक कुमार जी ने रघुनंदन टोली अकेडमी के कार्यकलाप व आपदा से कैसे बचें और आपदाएं कब कब आईं इस पर प्रकाश डाला। कितनी बड़ी बॉम्ब विस्फोट रही होगी। फिर 1905 में कांगड़ा का भूकंप जिसमें 30,000 लोगों की जान चली गई। 1934 में बिहार और नेपाल का भूकंप 10,700 के आसपास कैजुअल थे। फिर 1991 उत्तरकाशी भूकंप लगभग 800 के आसपास उसमें कैजुअल थे। जब 1991 और 1993 लातूर का भूकंप आया तो एक सोच विकसित हुई कि प्राकृतिक नहीं है, परंतु पूर्व तैयारी के माध्यम से इनको कुछ न्यून किया जा सकता है। तो इसी सोच के तहत 1995 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार में NDM की स्थापना की गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन की स्थापना की गई। और सौभाग्य से 1995 में ही डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में डिजास्टर मैनेजमेंट सेल आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के लिए शोध कार्य करना और अपनी रिपोर्ट्स को सरकारों तक प्रेषित करना। और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता विकास का कार्य करना। आप सभी को शायद विदित नहीं होगा, जहां से हम लोग आए हैं वहां पर राज्य के जितने भी IAS PCS अधिकारी चयनित होते हैं तो उनके वहां पर सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंडक्शन फोरेज कार्यक्रम और प्रोफेशनल कार्यक्रम वहाँ पर किए जाते हैं। तब उसके बाद फिर अधिकारी लोग अपने तैनाती में जाते हैं। और मुझे हर्ष हुआ है कि सर भी वहाँ पर आए हुए हैं और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, तो ये हमारे लिए सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और कहते हैं कि किसी चीज़ का अगर आगाज अच्छा होता है तो उसका समापन भी अच्छा होता है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व राजस्व के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी, संयुक्त रूप से सारे विभागों के लोग इसमें उपस्थित थे। दिवेश शासनी ने भी इसमें प्रकाश डाला। दिवेश शासनी इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी थे। सम्मान समारोह के उपरांत दिवेश शासनी ने बताया कि कल मॉकड्रिल का कार्यक्रम भी किया जाएगा। दो दो टीमें आपदा के बारे में बताने के लिए यहाँ पर एक्सपर्टों की आई है, आप उनका लाभ लें। और कल ब्लॉक सभागार में फिर से कार्यक्रम होंगे। दिवेश शासनी संयुक्त स्टेट धारचूला ने बताया कि दो आपदा न्यूनीकरण की टीमें आई हैं जो आपदा से बचाव या आपदा से पहले के कार्यों के बारे में समस्त जानकारी देंगी। उसका लाभ आम जनता, नागरिक, स्थानीय कर्मचारी व पुलिस कर्मचारी आदि ने उठाया। अभी हमारे पास एक्सपर्ट्स आए हैं डिजास्टर रिलेटेड, हमें अवेयरनेस और हमारी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कल के दिन हमारे अराउंड 11 या 12 o'clock आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसमें सिर्फ ऑफिसर्स की मुझे ज़रूरत रहेगी कि हमारे अगर क्षेत्र में आपदा आती है तो हम बिना एडहॉकिज्म के बगैर प्रॉपर वे में कैसे हमारे सारे जितनी भी हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स हैं कैसे काम करते हैं। ये एक कल इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की मॉक ड्रिल रहेगी, उसमें ऑफिसर्स और कुछ अगर हम आप लोगों को इनवाइट कर देंगे वो रहेंगे, बाकी लोग यहीं पे कैपेसिटी बिल्डिंग अपनी जो भी हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं उसका फायदा उठाएंगे। फिलहाल अभी हमारी जो RS टोली अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है नैनीताल में, उसके वहाँ से एक्सपर्ट्स आए हैं जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि, हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को दो दिन की अवेयरनेस, डिजास्टर रिस्क अवेयरनेस, रिस्क रिडक्शन और इन सभी रिलेटेड मैटर्स पे ट्रेनिंग देने आए हैं।
एंड आप देख रहे हैं कि शासन से भी हमारे पास एक टीम आई है जो हमारी अभी IRS सिस्टम से एक ट्रेनिंग दे चुकी है और जो हमारे अभी एक मॉक ड्रिल भी कराएगी कल। तो अभी हम चाहते हैं कि क्योंकि धारचूला में हर साल कोई ना कोई डिजास्टर आता है, तो यहाँ की टीम वेल इक्विप्ड हो, इन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट एक एडहॉक वे में कैसे रिस्पॉन्स देना वो ना करके कैसे हम एक प्रॉपरली एक चेन बना के कैसे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं और हम कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं उसके ऊपर अभी हमारा ध्यान रहेगा। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग प्लस हमारी मॉक ड्रिल होपफुली हमारी कुछ कमियों, हमारी जो भी जो चीज़ें हैं जिन्हें हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उनके ऊपर हम लोग अभी और हमारे सामने आएगा। तो हम चाहते हैं कि अगले आने वाली आपदा में धारचूला के लोग व एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड रहे। छात्रों के संगठन NSUI ने फूका निर्वाचन अधिकारी का पुतला। निर्वाचन अधिकारी के द्वारा 4 बजे से बाद 6 बजे सूची चस्पा करने में NSUI संगठन काफी विरोध कर रहा था। NSUI संगठन को लगा कि कहीं न कहीं निर्वाचन अधिकारी ने या निर्वाचन वालों ने धांधली की है। चुनाव अधिकारी से कि मतलब मुझे जो वैध प्रत्याशी थे मतलब मुझे शक थी। मैंने कहा कि इनसे बार बार मैं कहता रहा, ये लोग माने नहीं और मैं आज पुतला दहन कर रहा हूँ। मैंने SDM साहब, DM साहब सभी को रिपोर्ट दी थी कि मतलब इतना समय व्यतीत हो गया है, अभी तक इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की। आज हम पुतला दहन कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उप आंदोलन भी कर सकते हैं। छात्र सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिरा जिसमें 16 जवानों की मृत्यु हुई, जिसमें एक जवान हमारे पहिया बॉडी निवासी रविंद्र थापा भी शहीद हो गए हैं। रविंद्र थापा अपने पीछे अपने 2 छोटे बच्चे व माँ व पत्नी को छोड़ के गए हैं। साथ ही इनके एक बड़े भाई बाहर जॉब करते हैं, छोटे भाई इनके PWD धारचूला में कार्यरत हैं। रविंद्र थापा पहिया बॉडी निवासी हैं और व्यापार संघ अध्यक्ष उपेंद्र थापा के भतीजे हैं। आज धारचूला में शोकाकुल मामला रहा। नगर पालिका अध्यक्षा ने धारचूला में मोर्चा संभाल रखा है। सिंगल यूज प्लास्टिक की भी वो जांच कर रही हैं, साथ ही वो जो अनियंत्रित रूप से सड़कों में सामान रखा है उसको भी हटाने की बात कह रही हैं। वो नाली निर्माण और जगह जगह जहां कार्य चल रहे हैं नगर पालिका के, उन निर्माणों में खुद पहुंच रही हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।